भी करा है और हम लोगों ने देखा भी था भी पार्लियामेंट की अमित शाह साहब ने बोला था कि झांसी के बारे में जो बोला था वो प्रधानमंत्री का जो बयान था वो कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्या कहना है? नहीं, हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि आप सच कह रहे हैं या अमित शाह झूठ कह रहे हैं? आप अगर सच कह रहे हैं तो फिर आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में आपने इस बात का जिक्र किया एनआरसी का। अगर आप झूठ कह रहे हैं तो फिर क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सच कह रहे हैं कि आप ही का सरकार का बनाया हुआ प्रेसिडेंट एड्रेस में उन्होंने इस बात को कहा कि आपकी सरकार एनआरसी लाएगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एड्रेस में? तीसरी यह है कि खुद प्राइम मिनिस्टर ने एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में ये कहा था कि हम एनआरसी लाएंगे, तो आज अचानक प्रधानमंत्री कुछ और बात कर रहे हैं, तो ये तो क्या ये लोगों का स्ट्रेटजी है या टैक्टिक्स है कि लोगों को झूठ बोलकर बेवकूफ़ बनाकर एक डाइवर्जन क्रिएट किया जाए? हम उम्मीद कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री हैं वो क्लियर कट कह देंगे कि हम एनआरसी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि एनआरसी का जो कानून है उसमें वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि मे इम्प्लीमेंट एनआरसी। मे और शैल में बहुत फ़र्क है। शैल यानी मैनिट्री है, मे है कि सरकार के ऊपर है, कोई ज़रूरी नहीं है करना उसको। तो प्रधान हम उम्मीद कर रहे थे कि इतने लोगों की जो 18-19 लोगों की मौत हुई है, इतना बड़ा जो पूरे मुल्क में एक प्रोटेस्ट चल रहा है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री देश की जनता की इस आवाज़ को वो सुनेंगे और उसके ऊपर एक फैसला लेंगे, मगर और कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे। तो लगता है स्ट्रेटजी है बीजेपी की कि प्रधानमंत्री एक बात बोलेंगे और होम मिनिस्टर एक बात करेंगे, मगर देश जानता है कि अब ये दोबारा ये कन्फ्यूजन कोई भरोसा ही नहीं करेगा इनकी बात पर। सर, पूरे मुल्क में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है लेकिन सरकार अपने निर्णय पे दृढ़ है, और इसके साथ ही क्या आपको न्यायपालिका से कोई राहत मिलती नज़र आ रही है, क्योंकि आपने कोर्ट में भी आप गए हैं? नहीं नहीं, अब कोर्ट में तो 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट दोबारा इसको सुनेगा। अब उस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, हम कैसा बताएंगे सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेगा, बहस होगी उसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आएगा तो हम बता नहीं सकते। पर जहाँ तक हमारा मानना है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है और ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है, मज़हब के नाम पर ये कानून बनाया गया है, और हमारा मानना ये है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और हमारे देश में सिटीजनशिप का दो कानून नहीं हो सकते कि एक पूरे देश में हो और एक नॉर्थ ईस्ट में अलग हो। और फिर दूसरा अहम पॉइंट ये है कि ये गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम एक देश में कानून को रखेंगे, इसलिए हम 370 को निकाल रहे हैं। आप तो उल्टा नॉर्थ ईस्ट को और स्पेशल प्रोविजन दे दिए, ये क्यों किया फिर आपने, 370 क्यों निकाला आपने? तो ये अहम मुद्दे हैं और पूरे देश में इसके खिलाफ एक आवाज़ उठ रही है पूरे मुल्क में, और ये बहुत गलत कानून बनाया गया है। और मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूँ कि सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट का ताल्लुक एनआरसी से है, और सरकार ये कहने के मौक़ में नहीं है कि आसाम में जो बंगाली हिंदू हैं, हेमंत बिस्व शर्मा जो आसाम का फाइनेंस मिनिस्टर है उसने साफ तौर पर कह दिया कि सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए उन 5 लाख बंगाली हिंदूज को हिंदुस्तान की सिटीजनशिप दी जाएगी, और वो जो 5 लाख मुसलमान का नाम नहीं आया वो केस लड़ते रहेंगे। जब प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में ये कहा कि ये लोग रेफ्यूजी की आवाज़ को नहीं समझ रहे हैं और घुसपैठियों की आवाज़ समझ रहे हैं, तो हम प्रधानमंत्री से इतना ही कहेंगे कि आपको, आपकी नज़र में रेफ्यूजी सिर्फ हिंदू हैं, बंगाली हिंदू है आसाम का, और आपकी नज़र में एक घुसपैठी जो है वो बंगाली मुसलमान है। ये प्रधानमंत्री दो कैसा देख रहे हैं इन चीज़ों को? प्रधानमंत्री को तो एक ही नज़र से देखना चाहिए। अगर आसाम का बंगाली हिंदू रेफ्यूजी है तो फिर आसाम का बंगाली मुसलमान भी रेफ्यूजी होना चाहिए। आप सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए उन बंगाली हिंदूज को जो एनआरसी आसाम में नाम नहीं है उन सिटीज़नशिप देने जा रहे हैं, और जब पूरे मुल्क में एनआरसी होगा, डॉक्यूमेंट जिसके पास नहीं है
वो तो सिटीजन नहीं कहलाएगा। और है अफसोस की बात तो ये है कि ये जो रेफ्यूजीज़ जो पाकिस्तान बांग्लादेश और यहाँ से आए हुए हैं अफगानिस्तान से, सरकार एक्ट में कहती है कि वो डॉक्यूमेंट के साथ आए या ना आए हम उनको दे देंगे सिटीजनशिप। अरे भैया, जिनके पास जो डेढ़ सौ साल से इस देश में रह रहे हैं, हमारे बुज़ुर्गों की हड्डियाँ जो है ज़मीन में हैं, आप मुझसे डॉक्यूमेंट पूछेंगे और मुझे लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और आप डिसाइड करेंगे मैं सिटीज़न हूँ या नहीं? किस कैसे डिसाइड करेंगे आप? और NRC का काम शुरू हो चुका है NPR से। NPR जो अप्रैल आइंदा साल अप्रैल 2020 में शुरू होगी वो NRC का हिस्सा है। इसी तो हम कह रहे हैं कि NRP को रोकना पड़ेगा, NPR को रोकना पड़ेगा पहले। NPR जो NRC का हिस्सा है उसमें आप सब पूछ रहे हैं, सवालात पूछ रहे हैं। और है अफसोस की बात यह कि NPR जो होगी तो एक लो लेवल ऑफिशियल वो किसी के बारे में कहे कि ये डाउटफुल है और वो डाउटफुल जाएगा NRC में। मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, इसका जवाब क्यों नहीं थी सरकार? क्या NPR का ताल्लुक NRC से नहीं है? जवाब दे BJP की सरकार। क्या NPR में जब डाउटफुल आएगा तो क्या NRC में इसका असर नहीं पड़ेगा? क्या देश में सिर्फ 5% लोगों के पास पासपोर्ट है या नहीं है? 1996 में एक सर्वे हुआ जिसमें कहा गया था कि सिर्फ देश में खाली 50% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है। आप पूछेंगे 1600 करोड़ रुपये आपने आसाम में खर्च किए, क्या निकाला आपने वहां पर? आसाम की फाइनल लिस्ट आने से पहले सब BJP के लोग बोलते थे कि 50 लाख घुसपैठी, 60 लाख घुसपैठी, मुसलमान घुसपैठी है। जब फाइनल लिस्ट आ गई तो आप आसाम के NRC को नहीं मानते आप, ये क्या बात है फिर? सर, आप कांग्रेस का जबरदस्त मुखालफत करते रहे हैं, उनके साथ डायस शेयर नहीं किए हैं, उनके साथ कोई मोर्चा बनता है सरकार को घेरने का उसमें भी आप शामिल नहीं होते, क्या आप पर ऐसा दबाव है कि इस पूरे प्रोटेस्ट में कांग्रेस की हिस्सेदारी ली जाए, उनके साथ ज्वाइंट हैंड्स किए जाए, आप पे ऐसा दबाव है? नहीं, देखिए, असदुद्दीन ओवैसी सिवाय अल्लाह से किसी डरने वाला ही नहीं, किसका दबाव? कोई किसका दबाव? सहयोगियों का जो कोई अरे दबाव क्या है, दबाव कोई ना, हम ना किसी को दबाते ना हम दबने वाले हैं। नहीं तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस से ऐसे समय में जब आपकी बात नहीं सुनी जा रही, सरकार नहीं सुन रही? प्रमोद साहब, सवाल तो ये होना चाहिए कि कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना को सपोर्ट करी और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दी, चीफ मिनिस्टर, और वही उद्धव ठाकरे की पार्टी लोकसभा में BJP का साथ देती है। सवाल ये होना चाहिए था कि राज्यसभा में BJP को हरा सकते थे, तो उद्धव ठाकरे को आपने चीफ मिनिस्टर बनाया, उनकी पार्टी पीठ दिखाकर भाग गई। दबाव तो उन पर है ना, मुझ पर कहाँ दबाव है? लोग मुझे कहते TRS ने तो ओपनली फैसला लिया। कांग्रेस को जवाब देना है कि आपकी अलायंस जिसका सपोर्ट आप कर रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर लोकसभा में BJP की सपोर्ट करता, और आपके एक्स प्रेसिडेंट बोलते कि ये देश के खिलाफ है, मगर आप वहाँ पर आप मलई खा रहे हैं, केक खा रहे हैं, फिर आज वो कहते हैं कि भाई देश के लिए बचाना है, आ जाइए। अरे भाई, महाराष्ट्र में फिर आपका क्यों भाग गया राज्यसभा से? आप सवाल तो ये है। लेकिन अकलियत के हक के लिए क्या आप नहीं मानते कि आपको ये लड़ाई? नहीं, देखिए, ये लड़ाई मेरी एक की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम जो लड़ रहे हैं वो प्रमोद तिवारी के लिए भी लड़ रहे हैं, वो हर एक के लिए लड़ रहे हैं, किसी एक की लड़ाई कहाँ है? ये तो हिंदुस्तान के रूह, उसकी सोल की लड़ाई है। हम तो इस मुल्क को अंबेडकर, गांधी, नेहरू, बोस और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी कुर्बानियों के तहत लेके जाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि मुल्क चले RSS की आइडियोलॉजी पर या मज़हब के नाम पर या जिन्ना के उस थ्योरी पर चले। तो ये लड़ाई में सबको अपना अपना हिस्सा अदा करना है, और मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ ना, मैं किसी को रोक रहा हूँ, हमारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम अपना सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाले हैं, हम ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, पूरे तेलंगाना आंध्रा में मीटिंग्स होंगी, 29 तारीख को किशनगंज में है बिहार में हमारा मीटिंग, वहाँ पर भी हम जाएंगे। सर, झारखंड में आपने बड़ी उम्मीद से आप लड़े थे, रुझान भी सामने आ रहे हैं, क्या? नहीं, देखिए, पहला इलेक्शन लड़े हैं, मैं झारखंड की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट दिया,
और मैं उनसे उस वक्त भी वादा किया, आज भी वादा कर रहा हूँ कि हमारी जो वहाँ पर पार्टी हमने इस्टेब्लिश की थी वो सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं था, हम दोबारा मेहनत करते रहेंगे, उनका आवाम का एतमाद हासिल करेंगे। और मुझे यकीन है कि बिहार में भी हमने जब पहली मरतबा लड़ा था तो हमको कामयाबी नहीं मिली, पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमको नहीं मिली, फिर उसके बाद जब बाई इलेक्शन आया किशनगंज में हमने सिटिंग कांग्रेस सीट को बीजेपी सेकेंड आई, हम फर्स्ट आए। तो ये पॉलिटिक्स का नाम मेहनत है, जस्तजू है, पेशेंस है, हम लड़ेंगे, कोई बात नहीं है। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, ना झारखंड के लोग मुझे छोड़ने वाले, ना उनको छोड़ने वाला हूँ, और दोबारा जाएंगे और हमारी कमजोरियाँ हैं उसको दूर करेंगे, उनका इतमाद हासिल करेंगे। रुझान जिस तरह से आ रहे हैं तो बीजेपी के लिए थोड़ा संकट हो रहा है, तो कहीं आप पे जो आरोप लगता है कि कहीं बीजेपी को ही आप लड़के आप नहीं नहीं आप ये तो देखिए हरियाणा नहीं लड़े, हरियाणा नहीं लड़े, वहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट बना ली। महाराष्ट्र में आपने तो कहा था कि ओवैसी को वोट मत दो, बीजेपी शिवसेना को रोकना है, और फिर जैसा नतीजा आया तमाम ने मिलकर निकाह कर लिया शिवसेना से, वलीमा भी कर लिया। आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मेरे तो खुला खुला मैं कह रहा हूँ, आप तो धोखा देकर महाराष्ट्र में ये काम किए और मुझ पर आरोप लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं है, लगना भी चाहिए मुझ पर, डेमोक्रेसी है और मुझे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं अपना काम करता रहूँगा। Sir, the PM says that some political parties like yours are spreading rumors. No scheme of the government is discriminatory against Muslims in this country. Well, the Prime Minister is completely misleading the nation. It does not befits the Prime Minister to say that there is no talk about NRC. The Prime Minister knows very well that in the Parliament, during the debate on the citizen amendment bill, the home minister stood up and used my name and said that Mr. Owaisi, we will bring NRC, you should have no confusion. Now if the home minister is speaking, then under the collective responsibility that he is speaking on behalf of the government of Mr. Modi. So is the Prime Minister saying that Amit Shah is lying? And if that is the case, then I'll move a privilege motion in the Parliament. Breach of privilege, how can the Home Minister mislead the nation? Isn't it also true that the Prime Minister has given one interview to an English news channel wherein he said we'll bring NRC? His own election manifesto talks about it. In a question which was asked by an honourable member in the parliament, the government said in that answer that yes, we'll bring NRC, we are making detention centres. So I don't know why the Prime Minister is misleading the nation. It does not befit that office. Either the Prime Minister should say that yes, we will not implement NRC. And as far as NRC is concerned, it is not mandatory on the part of the government, because in that act the word may has been used, not shall has been used. I once again demand and request the Prime Minister, please do not implement NRC, take back this act, and if you want this act, remove that religious minority, remove that word religious minority, have minorities only, that is good enough. But 18-19 people have died in police firing. In Uttar Pradesh, I was expecting the Prime Minister would talk about that, the deaths of those people. All of them who have been killed in police firing are poor people in Mangaluru. One is a driver, another is a carpenter. Many properties have been vandalized. There are videos of police people going in hitting cars which are standing outside the houses. There are videos wherein a mosque was vandalized, a CCTV camera was broken. And that is why I have been consistently saying any violence must be condemned, and I condemn it. But I was expecting that the Prime Minister would lead by example and say all these things, but unfortunately the Prime Minister did not say it. In fact, he has completely misled the nation by saying there was no talk of NRC. In Parliament, if the sitting Home Minister says, then who should we believe? But Home Minister is saying categorically that this is not against the Indian Muslims.
The Home Minister, when I asked in Parliament that through this Citizen Amendment Act, are you going to give citizenship to 5,20,000-40,000 Bengali Hindus of Assam or not? He did not answer my question. I am again asking this question because I am asking because Hemanta Biswa Sarma is the Finance Minister of the Assam BJP government. He himself on record have stated that through CAA, BJP would be giving citizenship to 5,40,000 Bengali Hindus whose names are not included in the Assam NRC. Now what will happen is that once that is done, the only people who will be fighting their cases in the tribunal, foreigner tribunal, will be Muslims. And when a nationwide NRC is done, it is every Indian would be in trouble. Not even 5% people have passports in India. In 1996, one survey was done which said that only 50% of Indians have birth certificate. Can you imagine 100 crore people standing in line for what? To prove my citizenship? And who will decide that? And the Prime Minister should also tell, I am challenging BJP that NRC work is already started, that is National Population Register. And in NPR, any low-level official can just write doubtful for any citizen of India. And that will be carried forward to NRC. Let BJP prove me wrong. I have seen the questioner of NPR. Why are you asking for passport details? Why are you asking for all those? The questioner itself is very clear that a lower-level official who would be doing that NPR will just write a D on any name. And with the hatred that is being created for minorities, you know, that is why I'm very apprehensive.